हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एड्स के थ्रू जिन बच्चों का सिलेक्शन केनरा बैंक में एज ए क्लर्क हुआ है, वो काफ़ी ईगरली इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि उनका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कब से शुरू होंगी, कब उनको मेल मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कब ट्रेनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग होगी। तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन बच्चों को मेल मिल गई है, ऑफिशियल वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिली है तो आजकल में उनको मेल मिल जाएगी। केनरा बैंक की ऑफिशियल साइट पे पूरा डिटेल डाला हुआ है, डीवी कब होगी, उसका वेन्यू किसके लिए क्या रहेगा, पूरा डिटेल है। तो आज के सेशन में उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए उसी ऑफिशियल साइट पे ही चलते हैं केनरा बैंक के। अगर आप इसमें देखें, ये देखिए, आप अपनी साइट पे देख भाग रहे हैं, केनरा बैंक रिक्रूटमेंट सेल एचआर विंग हेड ऑफिस बेंगलोर। इसने पूरा ये देखिए आप शेड्यूल क्लर्क एड्स का दिया है, वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वी इन्वाइट योर अटेंशन टू द कॉमन रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अंडर सीडब्ल्यूई क्लर्क्स एड्स प्रोसेस बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन। सब्सिक्वेंटली आईपीएस हैड प्रोविजनली अलॉटेड 2786 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क टू अप्लाई। इसमें जो टोटल जो सिलेक्शन थे उसमें 2786 काफी बड़े नंबर है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट कैंडिडेट्स दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विल बी हेल्ड एट 12 सेंटर्स फ्रॉम 27 जुलाई टू 29 जुलाई, 27 से 29 के बीच में है। और इनका वेन्यू का डिटेल भी अगर आप देखें तो इनमें क्या कौन कौन सी है, बेंगलुरु है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देन गुरुग्राम हैदराबाद है, कोलकाता है, लखनऊ है, मदुरई है, मेंगलुरु है और मुंबई एंड त्रिवेंद्रम, इन स्टेशंस पर ये होनी है। और आगे इन्होंने दे दिया कि एन ईमेल इन दिस रिगार्ड विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ द, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें भेज दी जाएगी। अब सबसे पहले अपने देखें कि इंस्ट्रक्शंस क्या आए हैं। इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन सबमिशन और डॉक्यूमेंट्स, ये उनके लिए भी ठीक है जो पीओ लेवल पे सेलेक्ट हुए और जिनका ये होना है वो भी अपनी प्रिपरेशन करके, या दूसरे जो बैंक से, क्योंकि जनरली कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी सब कॉमन होती है इनमें। तो कोई जो भी कोई बैंक, अगर कोई बाकी जैसे आई थिंक पंजाब एंड सिंध बैंक और ये बचे हैं, तो वो बच्चे भी इसको देख के पता लगा सकते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स वाइज क्या शॉर्टकमिंग्स है, कौन से डॉक्यूमेंट उनको और अरेंज कर। एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कैंडिडेट शुड इनवेबली ब्रिंग द फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट पब्लिक सर्टिफिकेट फॉर सबमिशन। फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड द ओरिजिनल ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी इनवेबली सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। मतलब आपको फोटो कॉपी भी लानी है, साथ ओरिजिनल भी लाने ही लाने हैं। आप देखो ओरिजिनल को इन्होंने डार्क किया है, नीचे अंडरलाइन किया। पहला, प्रिंट आउट ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर सीआरपी क्लर्क एड, जो आपने इनिशियली जो फॉर्म फिल किया है उसकी कॉपी है, प्रिंट आउट है उसका। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एसएससी एसएल और सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ भी, आपका इसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो तो जैसे 10th में 12th में किसी भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे जहां भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसकी कॉपी आप ले जाइए, वो भी सफिशिएंट। मार्क्स कार्ड एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लास 10, 12 पीयूसी डिप्लोमेटिक, जो जिन जिन एग्जाम्स का जिक्र आपने उसमें किया है उन सभी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जानी है, और उसकी फोटो कॉपीज भी सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है। ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और फाइनल डिग्री कॉन्वोकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी इन द सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। देन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट पीजी का आपने कहीं जिक्र किया है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का किया है आपने तो उसकी भी चाहिएगी। वो वर्क एक्सपीरियंस का अगर आपने किया तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट इफ एनी।
देन अगर कोई कैटेगरी के बच्चे हैं तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एस सी एस टी ओबीसी डिसेबल कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस रिलेवेंट एंड वैलिड कास्ट और ये डिसेबल सर्टिफिकेट इशूड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज नोटिफाइड इन द एडवर्टाइज एडवर्टाइजमेंट में जैसा दिया था उसी फॉर्मेट, इनमें सेंट्रल फॉर्मेट चलता है उसी में चाहिए होता है। देन एज सर्विसमैन कैंडिडेट कोई है तो उनके लिए भी एज अ कैंडिडेट शुड ब्रिंग रिलेवेंट प्रोफॉर्मा ए प्रोफॉर्मा बी प्रोफॉर्मा सी प्रोफॉर्मा डी विच एवर इज एप्लीकेबल इशूड बाई द कॉम्पिटेंट नोटरी एज पर द एडवर्टाइज। देन प्रिंट आउट ऑफ द ईमेल रिसीव्ड फ्रॉम बैंक फॉर वेरिफिकेशन, अभी जो मेल आपको मिलेगा इसका भी प्रिंट आउट आपको चाहिए कि भी हमें बुलाया गया। फोटो आईडी प्रूफ सच एज पैन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी बैंक पासबुक आधार ई आधार विद फोटोग्राफ एम्प्लॉय आईडी, इन सब में से फोटो आईडी प्रूफ चाहिए कोई भी। देन और इवन अगर आधार आपका नहीं है तो आधार जरूर बनवा लीजिए क्योंकि आधार फिर आपको वो अल्टीमेटली जो बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे उसमें भी उसकी नीड होगी, तो आधार बनवा लीजिए। और नहीं बने तो आप बनने के लिए जरूर डाल दीजिए और वहाँ आप शो कर दीजिए कि मेरा आधार कार्ड अंडर प्रोसेस है। पैन कार्ड नहीं बना पैन कार्ड को प्रोसेस में डाल दीजिए और उसका जो भी वाउचर जनरेट हो चालान जनरेट हो वो वहाँ शो कर दीजिए कि मेरा पैन कार्ड बन रहा है बन के आ जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गजट नोटिफिकेशन ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। All the candidates are requested to verify their testimonials and any difference, spell error in candidate's name online registration to that of their documents. Certificate should be supported by notarized affidavit. तो इन सब के लिए अगर कहीं कोई गलती छोटी मोटी होगी तो उसका affidavit वगैरह जो भी notary attested करवा के। 3 passport size photographs चाहिए और any other relevant document। मतलब कुल मिला के आपको चाहिए वही जो फॉर्म में आपने जो फिल किए थे उनके अलावा कोई ऐसा नहीं होता। उसके अलावा आपने जो फॉर्म फिल किया उसके आप प्रिंट आउट चाहिए, जो मेल आपको अभी रिसीव हुआ उसका प्रिंट आउट चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू डेट एंड टाइम वेरीफाई सबमिशन डॉक्यूमेंट विल नॉट वेट, मतलब ये आपका चेंज नहीं होगा। तो प्रेजेंट सिलेक्शन सब्जेक्ट विल कंडक्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड फॉर द पोस्ट। प्लीज नोट दैट द प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द अबव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस to ascertain the proficiency reading writing and speaking of the candidate in the official language of the state of Lake Union territory for which she had applied for. Please note that if any candidate does not possess proficiency in the official language of the state of Lake Union territory for which she has applied for, his her provisional allotment made by IBPS may be cancelled. डिसीजन ऑफ द बैंक शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स। तो ये जब डीवी होगा उसी वक्त है आपका ये जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी उनका प्रोफिशंसी टेस्ट भी उसी वक्त होगा और जो इसमें फेल होंगे उनका इन्होंने कहा कि वो कैंसिल कर सकता है बट ऐसा इन जनरल नहीं होता है, आपको कुछ टाइम दे देते हैं उसके लिए। देन इनकेस it is detected at any stage of requirement process that the candidate does not satisfy the eligibility, तो ये तो obvious है कि अगर आपने कहीं भी जो form में fill किया है और जो requirements थी उनको आप fulfill नहीं कर रहे हो, कोई wrong आपने information दी है तो obvious है आपका selection है वो cancel हो जाएगा। तो ये तो ये आप देखिए पूरा दिया है इन्होंने roll number registration number name allotted category state of Lake Union टेरिटरी अप्लाइड फॉर सेंटर फॉर वेरिफिकेशन डेट सॉरी और टाइम, ये पूरा दे दिया डीवी का जो वेन्यू डेट टाइम सब इसके अंदर दे दिया। आप देखेंगे पूरा 2786 का आई थिंक ये होगा, जैसे सबसे पहले इन्होंने बेंगलुरु एबीसीडी से किया होगा, बेंगलुरु है फिर भोपाल है तो वही है अल्फाबेट से किया, फिर चंडीगढ़ आ गया तो ये पूरा आई थिंक इन सभी चेन्नई आ गया। तो इसमें आपको दिल्ली आ गया तो ये पूरे का पूरा आपने देखा कि ये डिटेल इसके अंदर वेन्यू डेट टाइम सब आ गया है और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करें। क्या आपको इनपुट वहां देना है वो सब पूरा डिटेल दे दिया।
रहा बात है, अगर आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गो थ्रू होना है, उसकी जो कोई प्रिपरेशन आप रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग की कर सकते हैं वो आप जरूर करें। आपके पास अभी भी आई थिंक मोर देन 1 मंथ का टाइम है, आप कर सकते हैं। और पहले से भी आपने कुछ कर ही ली होगी उसकी प्रिपरेशन। तो ये देखिए सभी का, ये त्रिवेंद्रम आई थिंक लास्ट ये सेंटर होगा, त्रिवेंद्रम 2786 जो टोटल जितने अलॉट थे उन सभी का इसमें इन्होंने दे दिया है। और डीजीएम है जिन्होंने ये भेजा है। तो जिन भी बच्चों का अभी तक मेल नहीं आया है वो उम्मीद करें कि आजकल में उनका मेल मिल जाएगा, वैसे मिल गया होगा। और नहीं मिला हो तो भी ये देख के आप देख लें कि आपकी वेन्यू क्या, डेट क्या है। और ये जरूर है कि मेल की जो कॉपी है उसका प्रिंटआउट आपको लेके जाना है, इनिशियली जो फॉर्म फिल किया था आपने उसका प्रिंटआउट लेके जाना है। बाकी जो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, कार्ड वो सब लेके जाने हैं। अगर किसी कैटेगरी के तो कैटेगरी के ले जाने, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और ये भी लेके। इसमें कहीं भी आई थिंक मैंने देखा, आप थोड़ा और देख लेना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल और उनका कहीं कोई जिक्र नहीं आया। इसका मतलब मेडिकल वो वहीं करवाएंगे आपका, और करेक्टर सर्टिफिकेट का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। तो आप थोड़ा इसको डिटेल में देख लीजिए कि करेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड कितनी की है, दो की है, तीन की है, एक की जरूर हो। और अगर कहीं ऑलरेडी आप एम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियस है वहां से भी एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें अगर बाय द वे कहीं छूट भी गया है तो वो मांगेंगे आपसे जरूर। अगर आपने ये जिक्र किया है कि मैं पहले से कहीं एम्प्लॉयड हूँ तो वहां से है, बिल्कुल आपको रिलीव होके ही आगे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हो सकता है आपकी डीवी वो कर ले, और जिस वक्त आपको ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग के लिए बुलाएं तब तक आपको टाइम दे दें कि मीन वाइल आप अपने आप को वहां से रिलीव कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।